मेरा नाम प्रतिभा है और मुझे 15 साल की एज से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और अभी फिलहाल मेरी उम्र 45 साल है। तो अभी मेरी छाती में इतनी ठंड बैठ गई थी कि अस्थमा की प्रॉब्लम होने की वजह से मेरी जो छाती है वहाँ से बिल्कुल सीटी की आवाज आ रही थी बहुत जोर जोर से। एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी मेरी आवाज को सुन सकते थे, इतनी जोर जोर से आवाज आती थी। दूसरे को भी पता चल जाता था बहुत दूर तक कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है। और मतलब इनहेलर से भी कोई भी जैसे आराम नहीं मिल रहा था। इनहेलर जैसे लिया तो वो मेरे को परेशानी पैदा और ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी उसकी। तो फिर मेरे को गोविंद भैया तो हमेशा ध्यान रहते हैं मुझे, तो मैंने गोविंद भैया से लास्ट वो था मेरा कि वही ठीक करेंगे मुझे। तो मैंने भैया के पास फोन किया तो उन्होंने मुझे अदरक साबुत और लहसुन गुड़ इनको चबाना बताया, जितना मैं चबा कर खा सकती थी, जितना एक साथ में लगातार चबा कर खा सकती थी। उन्होंने बोला कि इसको चबा चबा कर खाओ और दिन में कम से कम 3-4 बार। तो जैसे मैंने शुरू वाले दिन जैसे इनसे मैंने बात की, बात करते मैंने क्योंकि घर में ये तीनों चीजें थी और उसके ऊपर गुनगुना पानी लेना था, तो उस दिन मैं कई दिन के बाद सोई थी, कई दिन हो गए थे मेरे को ये परेशानी हुए। तो बस मैं ऐसे ही चल रही थी, पानी पी लेती गर्म पानी, इनहेलर ले लेती, चलती रहती काम करती रहती। तो लेकिन सो नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी। जैसे ये मैंने शुरू वाले दिन लिया उसी दिन मुझे बहुत आराम आया और मैं आराम से सोई, क्योंकि एकदम से ऐसा हुआ जैसे छाती एकदम से क्लियर हो गई और पूरा बलगम धीरे 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 धीरे। भैया ने मुझे बताया कि 15 दिन आपको लगातार लेना है इसको, तो अभी जैसे मुझे 12 दिन हुए हैं फिलहाल लेते हुए, लेकिन मेरी छाती की वो बिल्कुल उस आवाज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, साथ साथ सारा कफ भी बाहर आ गया और मेरी मूवमेंट नहीं होती थी बिल्कुल, 2-4 कदम में मेरे सांस फूल जाता था। तो अब मैं मतलब मेरी मूवमेंट भी सही हो रही है, अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो वॉशरूम तक जाने में भी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अब मुझे काफ़ी आराम है। इसमें लहसुन अदरक गुड़ ये चबा चबा कर खाने से और गरम गुनगुना पानी पिया था। और अभी जैसे भैया से मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि अब आप सर्दी सर्दियाँ तो इसको खाते ही रहो बेशक, तो मैं इसको खाती रहूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है इससे, बलगम मेरा पूरा क्लियर और हो जाएगा आने वाले टाइम में, ताकि और भी ये दिक्कत बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाएगी।